तो किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर सील हैं और माल परिवहन सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। 13 फरवरी से बॉर्डर सील होने के कारण ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा ट्रैवल करने से अधिक डीजल खर्च हो चुका है और आलम यह है कि अब ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पर ब्रेक लगाकर ट्रक यूनियन में खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए पंजाब से चले किसान शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को 13 फरवरी से सील किया गया। किसान और सरकार के बीच बातचीत से सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन लंबा होता जा रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर व्यापारी और ट्रांसपोर्ट का काम प्रभावित हुआ। बॉर्डर सील होने के कारण माल परिवहन सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। आंदोलन के चलते मार्ग बाधित होने का असर ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स को झेलना पड़ रहा है और 15 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले की तुलना में अतिरिक्त ट्रैवल करने से अधिक डीजल खर्च हो चुका है, जिसके चलते परेशान ट्रक ड्राइवर ने अब अपने अपने ट्रक पर ब्रेक लगाकर सोनीपत ट्रक यूनियन को खड़ा कर दिया है। ट्रक यूनियन सोनीपत के प्रधान की माने तो आंदोलन के कारण ट्रक यूनियन में काफी ट्रक खड़े हैं, क्योंकि एक्साइज की माल की पहले से रूट निर्धारित होते हैं, तो वहीं काफी ट्रक ऐसे हैं जो कि नॉन एसी हैं और आने जाने में काफी समय लगता है, जिससे माल ट्रक में ही खराब होने का डर बना रहता है। रास्ते ब्लॉक होने के कारण कंपनी वाले भी माल नहीं ले रहे हैं। लीड लतीफे के कारण अब परेशान ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक खाली खड़े करने पर मजबूर हो चुके हैं और ट्रक यूनियन में सैकड़ों ट्रक खाली पड़े हैं और ड्राइवर भी खाली बैठने को मजबूर है, जिससे अकेले सोनीपत ट्रक यूनियन को प्रतिदिन लाखों का नुकसान हर रोज उठाना पड़ रहा है। सीधी गाड़ियां नहीं जा रही, उनको जरा 50-60 किलोमीटर का जो ना रन आउट करके जाना पड़ा, आउटसाइडर से जाना पड़ता है। अगर हम हिमाचल में भेजे तो हमारे 110-115 किलोमीटर जो ना स्ट्रेंथ बच जाते। दूसरा जो ना कंपनी वाले माल दे के कुछ नहीं, कहीं ब्लॉक लग जाएगा, माल लेट हो जाएगा। जो फूड प्रोडक्ट है उनके लिए तो टाइम बाउंड होता है, गाड़ी जो है ना सारी एसी नहीं होती, उन कंटेनर जो है हमारे वो नॉन एसी हैं, उनमें माल खराब होने का टाइम होता है कि भाई हम आपने 24 घंटे में इसकी डिलीवरी देनी है, उसको नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि इतना लंबा रन हो जाता है। अब लुधियाना की जैसे हमारी गाड़ियाँ जाती है तो उन गाड़ियों में भी बड़ी परेशानी आ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। बहरहाल अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं और उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने 3 राज्यों की सीमाओं को सील कर रखा है। ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स को हर रोज मोटा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर जल्द रास्ते नहीं खोले जाते हैं तो नुकसान बढ़ता जाएगा। हालांकि अब पुलिस प्रशासन द्वारा सर्विस लेन को खोला गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर, उद्योगपति और आमजन अब सील बॉर्डर को खोलने की मांग कर रही है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।